दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको हरिद्वार कुंभ मेले में आए हुए एक ऐसे महात्मा जी से मिलाने वाला हूं जो कि पिछले 14 वर्षों से अपने पैरों के बल खड़े हैं। आपने बहुत सारे महात्मा जी देखे होंगे जो कि पूजा पाठ और तपस्या करते हैं, लेकिन आज जिस महात्मा के आप दर्शन करने वाले हैं वो 14 सालों से खड़े रहते हैं, 24 घंटे खड़े ही रहते हैं। सुबह हो, शाम हो, रात हो या दिन हो, उसके साथ साथ खड़े खड़े ही तपस्या करते रहते हैं। तो आइए ऐसे महापुरुष के दर्शन करते हैं और उसके बाद महात्मा जी से बातें करेंगे, महात्मा जी के बारे में जानेंगे और जो 14 वर्षों से महात्मा जी की तपस्या चल रही है उसके बारे में भी जानेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि लास्ट तक इस वीडियो में आपको महात्मा जी के जो वचन है वो सुनने को मिलेंगे। अगर आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं, हरिद्वार कुंभ की जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि सभी वीडियो आपको मिलती रहें। तो दोस्तों फाइनली हम बाबा जी के पास पहुंच चुके हैं। ये बाबा जी हैं, हठ योग में हैं इस समय। बाबा जी लगभग 14 सालों से ऐसे ही खड़े रहते हैं, आप देख सकते हैं। और इन्होंने कभी ये लकड़ी का सहारा लेके खड़े रहते हैं, रात हो या दिन, किसी भी समय हो 24 घंटे बाबा जी ऐसे ही खड़े रहते हैं और तपस्या करते रहते हैं, भगवान शिव के ध्यान में रहते हैं। तो बाबा जी से बातें करेंगे और बाबा जी के बारे में जानेंगे, पता करेंगे बाबा जी कहाँ से आए हुए हैं, बाबा जी का जो ये तपस्या है जो 14 वर्षों से इसी तरह पैरों के बल खड़े हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो बाबा जी सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए ताकि जो हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक हैं वो आपके बारे में जान सके और ताकि वो आसानी से आपसे मिल सके और आपसे आशीर्वाद ले सकें। तो बाबा जी सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। हम हैं श्री पंचदश नाम जूनावन अखाड़ के महात्मा हैं और हमारा नाम है महंत घनश्याम गिरी, ब्रह्मलीन गुरु महाराज शिव शरण गिरी महाराज इनके शिष्य हैं और हमारे अखाड़ के देवता ये सिद्ध गणेश हैं। जी बाबा जी थोड़ा सा तेज बोलिए ताकि दर्शकों को सही से आवाज़ पहुंचे। हाँ जी, हाँ जी। और ये व्रत हमने 14 साल हो गया इसको हमने रनिंग में रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, 14 वर्ष हो गया है इसको। खड़ेश्वरी व्रत बोलते हैं, एक प्रकार का हठ होता है, हठ योग है। जी जी। तो बाबा जी ये हठ योग इसके पीछे कुछ कारण होता है या सिर्फ एक तपस्या होती है? तपस्या है, कारण तो कुछ होता नहीं है इसमें। अच्छा, अब कारण अच्छा। तो फिर जैसे आप अपने अपने हिसाब से जिसका जिसका होता है वैसा कारण होता है, बाकी कारण तो ऐसा कुछ नहीं। तपस्या है, साधु को तपस्या करनी पड़ती है। जी जी बिल्कुल करनी पड़ती है। और आप बाबा जी कहाँ से आए हुए हैं? हम आए हुए हैं सौराष्ट्र, काठियावाड़। सौराष्ट्र काठियावाड़, जिला अमरेली, गांव दामनगर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो बाबा जी कब आए थे आप यहाँ पर? हम आए थे यहाँ करीबन 1 तारीख को। 1 तारीख को। हाँ जी, हाँ जी। हमको आगे आज 15-17-18 दिन हो गया है। तो बाबा जी सबसे पहले तो आपका हरिद्वार कुंभ में आपका स्वागत है और जानना चाहेंगे बाबा जी हरिद्वार कुंभ में आकर इस बार कैसा आपको लग रहा है? कोरोना का माहौल चल रहा है और हाँ जी, हाँ जी, कोरोना का माहौल चल रहा है और सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था जब चल रही है जी। तो दिक्कतियाँ तो थोड़ा बहुत सबको आ रही है, लेकिन तो भी सामना उसका हो रहा है और शांति से अपना कुंभ करने का निर्णय है सब साधुओं का। अच्छा अच्छा। बाबा जी बहुत समय से आपकी तो काफ़ी ज़्यादा एज भी है, तो बाबा जी आप इससे पहले भी बहुत सारे कुंभ आपने देखे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके अनुसार और यहाँ पर जो है इस बार कोरोना की वजह से थोड़ी बहुत सुविधा हाँ, तो हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत सुविधा में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन हो रहा है। लेकिन मेन माने पब्लिक की कमी है, साधु की कमी है। अच्छा, क्योंकि इससे पहले प्रयागराज में बहुत सारे संत महात्मा लोग हाँ, गए हाँ, हुए थे, उतने यहाँ नहीं है। जो हरिद्वार में बहुत कम अच्छा स्नान के समय आके चले गए महात्मा कोरोना के हिसाब से। अच्छा, यहाँ कोई रुकने को राजी नहीं अभी। अच्छा अच्छा। तो बाबा जी आपने तपस्या भी की होगी इससे पहले, और कुछ अपने बारे में बताइए ताकि दर्शकों को पता चल सके। हमारे आश्रम गुजरात में दो जगह है। जी जी। हाँ जी।
और अभी हम जंगल में रहते हैं, वहाँ ये तपस्या करते हैं। अच्छा, जंगल में हमारा आश्रम है वहाँ। अच्छा। हाँ, गिर में। अच्छा अच्छा, गिर। तो वहाँ तपस्या करते हैं। जंगल का क्या नाम है, पता है? गिर, गिर, शासन गिर बोलते हैं जो मेन शासन गिर। अच्छा अच्छा, सनातन धर्म है, इसको कैसे आप इस आगे बढ़ाने के लिए आप प्रोत्साहित हुए और आपके गुरुजी कौन थे, इन सभी चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए। हाँ, इसमें तो ऐसा है ना कि हम गुरु महाराज के पास बचपन से ही बन गए हुए हैं और बचपन के ही साधु हैं और धर्म के प्रति श्रद्धा भाव ये होने से इस तरफ आकर्षित हो गए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, गुरु महाराज हमारे राजस्थान में रहते हैं। अच्छा। इस समय तो ब्रह्मलीन है। तो आपने शुरू में, आप शुरू से ही जुड़ गए थे या आपने हाँ, शुरू में शिक्षा ली थी? अच्छा अच्छा। हमने शिक्षा ली थी 12वीं तक। अच्छा अच्छा। हाँ, और उसके बाद में फिर गुरु महाराज ने हमको शिक्षा पढ़ाया पूरा। अच्छा, तो, अच्छा। हाँ जी, तो फिर हमने BA MA किया हुआ है। अच्छा। हाँ जी, कौन से सब्जेक्ट से आपने BA MA करा? BA MA हमने पॉलिटिकल साइंस से किया। पॉलिटिकल साइंस से? पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स बोलते कौन से सन में आपने किया था BA MA? अभी वो तो कोई इतना याद नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर भी इस लाइन में जुड़े हुए आपको तो लगभग 40 साल 50 साल तो हो गए होंगे। पैंतीस चालीस साल जरूर। अच्छा अच्छा, 35 साल तो खड़ा सनातन धर्म का, मतलब आगे बढ़ाने में लगे हुए ताकि हमारी जो नई पीढ़ी आए तो उनको पता चल सके हमारा सनातन धर्म कैसा धर्म। हाँ, धर्म के प्रति ने तो अभी जो है ना, धर्म की स्थिति बहुत गंभीर है। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ये सब आप सभी की वजह से ही तो जो हमारी पीढ़ी है उनको पता चलेगा धीरे धीरे, तभी वो जाके इस लाइन में जुड़ेंगे और अपने धर्म को आगे ले चलेंगे। हाँ जी। तो बाबा जी, अब जो आप ये हठ योग आप कह सकते हैं जो आप 14 वर्ष से कर रहे हैं, तो इसे लगभग 14 साल हो चुके हैं, तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई होंगी। हाँ जी, हाँ जी। तो क्योंकि हर समय रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, आप इसी तरह आप खड़े रहते हैं, तो इसके बारे में बताइए इसमें कितने साधन भजन। हाँ, इसमें जो है ना, ये हठ योग है और इसमें जो है प्रथम तकलीफ तो होती है। जी जी, जैसे कि शरीर में पैर वगैरह फट जाते हैं। हाँ जी, पैर वगैरह फट जाते हैं। तो इसको अगर सक्सेस करना होता है ना, तो इसमें क्या है, भोजन वगैरह सब, अनाज वगैरह त्याग करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। अनाज वगैरह सब त्याग करना तो पड़ता क्या है। आप अनाज फल इस समय फल फ्रूट नहीं, फल फ्रूट खाया जाता है। आप 14 सालों से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। या इससे पहले से? नहीं नहीं, 14 साल से फल फ्रूट खा रहे हैं या उसके बाद में फल फ्रूट ही खा रहे हैं। तो उससे शरीर जो है ना तंदुरुस्त रहे, कोई ज़्यादा विशेष तकलीफ नहीं हो। तकलीफ तो होती है लेकिन विशेष तकलीफ नहीं होए। अच्छा। और साधना अपनी खंडित नहीं होए। अच्छा। इस प्रकार से रहना तो पड़ता है। इसका कुछ समय है तपस्या का कि ये अब चलती रहेगी जब तक? अब 14 साल हो गया है, फिर आगे तो हरी इच्छा बलवान है। तो शुरू में तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत आई होगी। अब तो 14 वर्ष हो चुके हैं, तो आप धीरे धीरे करके शरीर है ना इसको जैसे ढाल लोगे तो वैसे हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, लेकिन तकलीफ तो पहले जरूर होती है। तो जब रात में सोना होता है तो ऐसे ही आप? हाँ, ऐसे ही लकड़ी के सहारे या झूला लगाते हैं। अच्छा, ऐसा एक झूला होता है, झूला उसको ऐसे पकड़ के। हाँ, उसके ऊपर ऐसा एक पाटिया होता है। अच्छा, अच्छा, उसके ऊपर झूला हिलता है। तो सिर्फ सर उसमें रख लेते हैं? इतना पोर्शन। अच्छा, अच्छा। जाता है छाती से सर आप उसमें रख लेते होंगे पाटे में, बस बाकी खड़े ही रहते हैं। बाकी तो खड़े ही रहते हैं। हाँ जी, सो जाते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो ये बाबा जी तो बहुत बड़ी तपस्या है एक तरह से। हाँ, कठिन तपस्या है लेकिन तो गुरु महाराज की दया से चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, गुरु महाराज की दया से चल रहा है। और हमारे दर्शकों को भी आशीर्वाद दीजिए। हाँ ताकि उनको भी और इसी तरह साहस मिल सके। हाँ, वो भी हमारी सनातन जो परंपरा है, जो हाँ, उसको पुरानी है, उसको आगे ले जाएं वो लोग। तो एक बार आशीर्वाद दीजिए। हाँ, सब धर्म जनता, जन प्रेमी जनता को जो है, कुंभ में आने वाले सभी भक्तों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। चलिए बाबा जी, एक बार आप देख सकते हैं ये बाबा जी। बाबा जी इसी तरह से 14 वर्षों से लगातार खड़े हुए हैं और हठ योग एक तपस्या होती है, उसको कर रहे हैं। तो दोस्तों, बाबा जी से जानते हैं कि बाबा जी ने लगभग आज से लगभग 35 वर्षों पहले इन्होंने BA MA किया था, और उस समय जो BA MA करता था
उसका सबसे जो मेन जो होता था उसका टारगेट यही होता था कि बीएमए करने के बाद कोई अच्छी सी नौकरी मिल सके जिससे कि हम अपने परिवार को आगे ले जा सकें। तो उस समय बाबा जी ने सनातन धर्म या ये जो सन्यासी जीवन क्यों चुना, इसके पीछे बाबा जी से जानते हैं। तो बाबा जी बताइए, आपने जो सन्यासी जीवन है या सनातन धर्म की सेवा करना आपने क्यों सेलेक्ट करा, क्यों आपने इस लाइन में आप आगे जाना उचित समझ रहे थे? ऐसा है, पढ़ाई तो ज्ञान की कक्षा को बढ़ाता है और पढ़ाई के माध्यम से जो है सनातन धर्म जो कहते हैं ये आगे जा सकता है। अगर ज्ञान होने से जो है जी आदमी किसी को कुछ कह सकता है, समझा सकता है। अच्छा, और ये इस तरफ आने का मेन विशेष माने जो है ना कि धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा और भाव। अच्छा, ये पहले से आदमी पढ़ाई करता है, सब कुछ करता है, लेकिन एक विशेष बात जरूर होती है कि इस तरफ उसका आकर्षित होता है मन। कई लोग ऐसे होते हैं शुरू से पढ़ाई जरूर करते हैं लेकिन एक उनका जो आकर्षण होता है, जो आकर्षित होते हैं, वो ये सोचते हैं कि धर्म की लाइन में या अपनी धर्म की सेवा करते हैं, सनातन धर्म की सेवा करते हैं। तो आपने, क्योंकि धर्म ही एक ऐसी चीज़ है ना कि सबको संभाल के रखती है, सबको संभाल के रखती है, हाँ सबको जोड़ के रखती है। बहुत बड़ी बात कही है कि धर्म में इतनी ताकत होती है कि सबको जोड़ के रखता है और धर्म ही हमारे जो संसार है इसकी रक्षा करता है। धर्म के आधार से ही सब चल रहा है ना। जी बिल्कुल बाबा जी, तो बहुत अच्छी बात आपने कही है बाबा जी। तो बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप आशीर्वाद दीजिए ताकि वो खुश रहें और अपने धर्म को इसी तरह आगे ले जाते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, एक बार शुक्रिया, एक बार आपका फिर से सादर प्रणाम।